उसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमने जो है ऑर्गेनिज्म पढ़ लिए हैं और कौन से हमारे रह गए हैं। हाँ जी, इसमें एनिमल किंगडम की अगर हम बात करें तो जिसको हमने तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया था, पैराजोआ, मीसोजोआ, यूमेटाजोआ। पैराजोआ को हमने काफी डिटेल से पढ़ा, उसमें हमने फाइलम पोरीफिरा डिस्कस किया। और मीसोजोआ, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मिसिंग लिंक जो है वो देता है, और इसमें इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसको अभी हमने नहीं पढ़ा, बाद में देखेंगे। और यूमेटाजोआ जिसको जिसको फर्दर हमने जो है वो टू ग्रुप्स में डिवाइड किया ऑन द बेस ऑफ सिमेट्री, उसमें ग्रेट रेडिएटा एंड ग्रेट बायलेट्रिया। ग्रेट रेडिएटा को भी हमने डिटेल से पढ़ लिया है, उसमें हमने मेजर फाइलम भी पढ़े हैं, माइनर फाइला भी डिस्कस किए हैं, जिसमें फाइलम नाइडेरिया जो है प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से हमने जो है इसको स्टडी किया था। और उसके साथ जो माइनर फाइलम थे, फाइला थे, जैसे फाइलम टीनोफोरा, और उसको यानी फाइलम को हमने बहुत स्टडी किया डिटेल के साथ, उसकी क्लासेस को भी स्टडी किया। तो ग्रेट रेडिएटा जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं ग्रेट बायलेट्रिया की तरफ। तो ग्रेट बायलेट्रिया को फर्दर डिवाइड किया है सिलोम की बेस पर। सिलोम की बेस पर उसको थ्री जो है वो फर्दर ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ए सिलोमेट बायलेट्रल ऑर्गेनिज्म, सूडो सिलोमेट बायलेट्रल ऑर्गेनिज्म एंड सिलोमेट। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ए सिलोमेट बायलेट्रल ऑर्गेनिज्म, और उसमें हम थ्री फाइला जो है डिटेल से स्टडी करेंगे आज के टॉपिक में, जिसमें हमारा मेजर फाइलम होगा फाइलम प्लेटीहेलमिंथीस, और माइनर में हम लेंगे फाइलम नेमर्टिया एंड फाइलम नेथोस्टिमुलिडा। तो ये तीन जो है फाइला ये हमारे एसिलोमेट में आएंगे। स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर हमारा एसिलोमेट भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है वो सूडोसिलोमेट से होगा, और उसके बाद हम जो है सिलोमेट को टच करेंगे, तो ये डिटेल से स्टडी करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एसिलोमेट फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस। फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस जो है वो भी नाइडेरिया की तरह बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इट कॉन्टेन अ हाईली यूनिक करेक्टरिस्टिक, और ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है 99% पैरासाइट हैं जिसको स्टडी करेंगे, और उसमें से भी मेजोरिटी पैरासाइट जो है वो ह्यूमन के हैं जो डिजीज काज करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द बेस ऑफ मेडिकल पॉइंट। तो फाइलम प्लेटीहेलमिंथीस को कॉमनली हम क्या कहते हैं, फ्लैट वर्म। ये बिल्कुल फ्लैट होंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगी, डॉर्सो वेंट्रली ये फ्लैट ऑर्गेनिज्म है। और करेक्टरिस्टिक की तरफ अगर हम देखें तो इसकी 20,000 स्पीशी हैं। हर फाइलम की मैंने स्पीशी जो है वो डिटेल से बताई होती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट स्पीशी का भी पूछते हैं कि कितनी स्पीशी जो है इन फाइलम में है। तो इस फाइलम में कितनी आपको मिलेंगी, 20,000 जो है वो स्पीशी मिलेंगी, मोस्टली पैरासाइट। 99% इस फाइलम के जो है वो क्या है, पैरासाइट है। वो भी आगे हम डिटेल से देखेंगे कि पैरासाइट किस तरह के हैं, क्या वो ह्यूमन के पैरासाइट हैं, किसी और वर्टिब्रेट के हैं, इनवर्टिब्रेट के हैं, एक्टो पैरासाइट हैं, एंडो पैरासाइट हैं, क्या लाइफ साइकिल है, क्या डिजीज है, ये डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने बात की कि इसमें बहुत कम जो है वो स्पीशी जो है वो फ्री लिविंग है, नॉन पैरासाइट है, तो उनमें जस्ट 20 स्पीशी जो है वो, ये याद करना आसान हो जाएगा कि 20,000 टोटल स्पीशी है और 20 स्पीशी जस्ट क्या है, फ्री लिविंग है। और फ्री लिविंग भी कौन से क्लास में हम पढ़ेंगे, टर्बिलेरिया की क्लास में। टर्बिलेरिया क्लास जो है, जैसे मैंने स्टार्ट के लेक्चर में आपको बताया था कि दिस क्लास इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फ्लैट वर्म्स, और वो किस लिहाज से डिफरेंट है, क्योंकि ये पॉलीफाइलेटिक जो है वो ग्रुप है, बिकॉज इट कॉन्टेन अ सेपरेट एंसेस्टर एज कम्पेयर टू अदर क्लासेज इन प्लेटीहेलमिंथीस। तो कैस्टोडा है एक क्लास, एक जो है वो ट्रीमाटोडा है, एक मोनोजीनिया है। तो
वो तीन क्लासेस जो है उनके कॉमन इंसेस्टर हैं, वो मोनोफाइलेटिक ग्रुप में आएंगे, जबकि टर्बिलेरिया जो है वो किस में आएगा, पॉलीफाइलेटिक ग्रुप में। और ये इसके करैक्टरिस्टिक उनसे डिफरेंट होंगे, इसके एनाटॉमी भी उनसे डिफरेंट होगी, क्योंकि मेजॉरिटी जो है टर्बिलेरियंस हैं वो क्या है, नॉन पैरासाइट हैं। तो जो नॉन पैरासाइट हैं उन्होंने अपनी बॉडी को की एनाटॉमी थोड़ी कॉम्प्लेक्स रखी हुई है, जो पैरासाइट हैं उन्होंने चूंकि टोटली डिपेंड करना है होस्ट के ऊपर, तो उनकी एनाटॉमी जो है वो सिंपल मिलेगी, जस्ट उनका लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स मिलेगा, क्योंकि और ये काम करें ना करें, क्योंकि इन्होंने दूसरों पे डिपेंड करना होता है, तो ये अपनी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, इनका लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ताकि जो है इनका जो है प्रोटेक्शन हो सके और होस्ट को पता ही ना चले कि इनके अंदर कौन किस तरह का लाइफ साइकिल चल रहा है, और डिजी और मेडिसिन जो है मेडिकेशन भी इन पे असर ना कर सके। सो टर्बिलेरियन जो है वो फ्री लिविंग में आएंगे, और सारे टर्बिलेरियन नहीं, जितने 20 स्पीशी हैं फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो टर्बिलेरिया में होंगी। इसके अलावा टर्बिलेरिया जो है वो पैरासाइट भी हो सकते हैं, लेकिन ये यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो फ्री लिविंग स्पीशी हैं वो किस में आएंगी, वो टर्बिलेरिया क्लास में आएंगी। और वो जो फ्री लिविंग है वो फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, जैसे प्लेन एरिया है, और वो मैरीन लाइफ को भी इंजॉय करते हैं। मैरीन लाइफ, अगर मैंने टॉपिक का बिल्कुल स्टार्ट की बात करें तो हाँ जी, ये वाले इधर, ये मैंने बड़े ब्यूटीफुल कलर के ऑर्गेनिज्म जो है लीफ लाइक ऑर्गेनिज्म ये डाले हुए, ये इसी तरह के जितने भी ब्यूटीफुल कलर के ये ऑर्गेनिज्म होंगे, ये मैराइन लाइफ को जो है वो क्या करेंगे, इंजॉय करेंगे, और इनको हम अमूमन पॉलीक्लेड्स बोलेंगे। सो पॉलीक्लेड्स लिव इन अ सी वाटर। चलते हैं आगे, हम मल्टी सेलुलर हैं, बायलेटरल सिमेट्री रखते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी इनमें थ्री लेयर बनेगी, एक्टोडर्म बाहर वाली, अंदर वाली एंडोडर्म, और मिड में मीजोडर्म, लेकिन वो लेयर की फॉर्म में नहीं होगी, बल्कि मीजोडर्म के लूज सेल्स पड़े होंगे जो पैरेन्काइमा की फॉर्म में होंगे, और चूंकि ये लूजली सेल पड़े होंगे इसलिए इनमें कोई स्पेस नहीं बन सकेगा, जिसकी वजह से हम इनको एसीलोमेट कहेंगे। और डॉर्सो वेंट्रली ये क्या होंगे, फ्लैटेंड होंगे, ऑलरेडी मैंने बताया है, और ऑर्गन लेवल इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऑर्गन लेवल अगले में हम जो है ऑर्गन सिस्टम देखेंगे, उससे उनके बाद जो है वो ऑर्गन सिस्टम जो है वो डिवेलप्ड फॉर्म में देखेंगे, सिंपल फॉर्म में नहीं। तो अगला इनका है बॉडी वॉल, कि इनकी बॉडी जो है वो उनकी जो है एपिडर्मस जो है वो किस तरह की है, इनकी बॉडी वॉल कैसी है, तो वो भी डिफरेंस है। जैसे मैंने पहले बोला कि पैरासाइट जो है वो और तरह की स्ट्रक्चर रखते हैं और नॉन पैरासाइट और तरह की। पैरासाइट जो है उनकी बॉडी वॉल जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी। पहले हम नॉन पैरासाइट की देख लेते हैं, फ्री लिविंग की, कि जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी एपिडर्मस सीलिएटेड होगी, सीलिया होंगे, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, पानी में जो है वो स्विमिंग के तौर पर सीलिया जो है हेल्प करेंगे। सो सीलिएटेड एपिडर्मस इन नॉन पैरासाइट लाइक प्लेनेरिया, पॉलीक्लेड्स एंड अदर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीस, व्हाइल इन पैरासाइट टोटली डिफरेंट। नॉन पैरासाइट में एक और चीज भी है, इनकी एपिडर्मस आगे हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें रॉड लाइक सेल्स होंगे, उसकी एपिडर्मस में कुछ सेल जो है वो रॉड लाइक होंगे, बहुत ही इलॉन्गेटेड होंगे, और बड़े बड़े सेल होंगे, उनको रेबडाइट्स बोलेंगे, और रेबडाइट्स के अलावा और भी सेल होंगे जिन्हें ग्लैंड सेल कहेंगे। अब रेबडाइट और ग्लैंड सेल म्यूकस खारिज करेंगे, और रेबडाइट उस म्यूकस को लेके एपिडर्मस के ऊपर एक शीथ बना देंगे, एक कवरिंग बना देंगे, प्रोटेक्टिव कवरिंग। सो रेबडाइट्स एंड ग्लैंड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल to secrete mucus and then form mucus covering outside the epidermis in freshwater or free living organism. तो रेबडाइट्स का होना किन में है, नॉन पैरासाइट में, जबकि जो पैरासाइट है उनमें उनकी एपिडर्मस में सीलिया नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने मूव नहीं करना, उन्होंने मूवमेंट नहीं करनी, उन्होंने अटैचमेंट करनी है होस्ट के साथ, तो एक तो उनमें सीलिया नहीं होंगे। सेकंड जो है उनकी एपिडर्मस की जो ऊपर वाली लाइनिंग है, उनके सेल जो है आपस में फ्यूज कर जाते हैं, उनके न्यूक्लियाई इकट्ठे हो जाते हैं, और जब वो फ्यूज करेंगे तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सेंसेशियम या टैग्यूमेंट फॉर्मेशन, यानी अपर लेयर की जो लाइनिंग है वो इतनी ज्यादा आपस में फ्यूज कर जाएगी कि उससे एक रेजिस्टेंट
कवरिंग बनेगी जिसे टैग्योमेंट कहेंगे, और ये तमाम पैरासाइट में होगी, टैग्योमेंट फॉर्मेशन इन ऑल पैरासाइट। और कुछ पैरासाइट में उस टैग्योमेंट के ऊपर क्यूटिकल की लेयर चढ़ जाएगी, और वो क्यूटिकल की लेयर हमें किस में मिलेगी, वो लिवर फेल्यूक में मिलेगी, यानी ट्रीमाटोडा के मेंबर्स में मिलेगी। तो टैग्योमेंट फॉर्मेशन क्या है, नॉन सीलिएटेड सेंसेशियम लेयर ऑन द अपर साइड ऑफ एपिडर्मस, that is called tegument, that highly resistant structure for protection of parasite from host immunity. Host की immunity से बचने के लिए ये क्या करेंगे, tegument की formation करेंगे। तो ये एक इनकी structural adaptation है ये parasite की, के आगे हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी जो है इन्होंने adaptation की है, तो उसमें ये एक adaptation क्या है, tegument की भी है। उसके बाद आता है कि इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसमें उसको जब भी हम प्लेटीहेलमिंथीस की बात करते हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे माइंड में फॉरेन फ्लेम सेल आता है। क्वेश्चन में ये बहुत पूछते हैं। इनकी बॉडी पे दो लेटरल केनाल हैं, एक्सक्रीटरी केनाल हैं लेटरल साइड पे, और हर केनाल ब्रांच्ड है, और हर ब्रांच जो है वो किससे बंद होती है, वो एक जो है बल्ब लाइक सेल से, उसको हम क्या कहेंगे, फ्लेम सेल। फ्लेम सेल एक प्रोटोनेफ्रिडियम है, मेटानेफ्रिडियम नहीं है। तो प्रोटोनेफ्रिडियम और मेटानेफ्रिडियम में जो है वो डिफ्रेंसिएशन क्या है, ऐसा एक्सक्रीटरी सेल या ऑर्गन जिस जो जो ब्लाइंड हो बिल्कुल, जिसकी इंटरनल ओपनिंग ना हो, द सेल that specialized for excretion and not open by internal opening, without internal opening, totally blind, only contain external opening, that is called, this is called protonephridium. तो जिसकी internal opening ना हो, उस internal opening को हम nephrostome बोलते हैं। तो जिसमें nephrostome ना हो, internal opening ना हो, उसको protonephridium कहेंगे, totally blind होता है। और उसकी एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास फ्लेम सेल है, उसकी भी स्ट्रक्चर आगे हम देखते हैं कि फ्लेम सेल कैसा है। लेकिन कॉमनली अगर आपसे, यानी अगर आप पूछा जाए कि इनकी एक्सक्रीशन किसके थ्रू होती है, तो तमाम फ्लैटवर्म की फ्लेम सेल्स की वजह की मदद से होगी। नर्वस सिस्टम में देखें तो सेफलाइजेशन का प्रोसेस है, यानी गेंगलियॉन है, एंटीरियर गेंगलियॉन है, नर्व कॉर्ड्स है इनमें, और इनका जो है लैडर लाइक नर्वस सिस्टम है। डायग्राम में मैं आपसे शेयर करती हूँ, लैडर लाइक ये भी आ सकता है कि किन का लैडर की तरह का, सीढ़ी की तरह का किन का नर्वस सिस्टम है, तो वो आप क्या कहोगे, फाइलम प्लेटीहेलमिंथीस। सेंसरी सेल्स भी हैं जिसमें आई स्पॉट है, जैसे प्लेनेरिया में है, ऑसिलाई, ये लाइट सेंसिटिव जो है वो सेल्स हैं। कीमो रिसेप्टर भी हैं इनमें, जैसे आरिकल्स हैं, ये भी प्लेनेरिया में आपको मिलेंगे। इसके अलावा कुछ स्टेटोसिस्ट जो हैं वो सेल्स भी हैं जो ग्रेविटी को मेजर करते हैं, और रियोटेक्सिस ये सेल्स भी हैं जो वाटर डायरेक्शन को जो है उसको मेजर करने के लिए, या वाटर डायरेक्शन का पता करवाने के लिए कौन से सेंसरी सेल्स हैं, रियोटेक्सिस। तो ये सेंसरी जो है सेल्स इनमें होते हैं। अब हम देखते हैं पैरासाइट इनके किस तरह के हैं, आगे हमने डायग्राम में भी डिटेल से करने हैं। तो इनमें एक्टोपैरासाइट भी हैं और एंडोपैरासाइट भी हैं। एक्टोपैरासाइट वो हैं जो होस्ट के ऊपर रहते हैं, होस्ट के जो है गिल्स में रहेंगे या स्किन में रहेंगे। तो ये ज्यादातर पैरासाइट फिश के हैं, जो फिश के गिल्स में रहते हैं, फिश की स्किन में रहते हैं, और ये क्लास मोनोजेनिया से हैं। मोनोजेनिया क्या है, जो एक होस्ट पे डिपेंड करे। तो इसमें वो मेंबर आएंगे जिनका सिंगल होस्ट होगा, और वो ज्यादातर पैरासाइट क्या होंगे, एक्टोपैरासाइट। फिर से रिपीट कर देती हूँ कि सम आर एक्टोपैरासाइट, और वो क्लास किस में आएंगे, मोनोजीनिया। मोनोजीनिया का मतलब क्या है, क्या यानी कि एक होस्ट पे रहने वाले, जो सिर्फ एक होस्ट पे डिपेंड करें। और एंडोपैरासाइट भी होंगे, और एंडोपैरासाइट जो है ये दो होस्ट पे डिपेंड करते हैं, एक इनका फाइनल होस्ट होता है और एक इनका इंटरमीडिएट होस्ट है। जो फाइनल होस्ट है वो इनका वर्टिब्रेट है, और जो इनका इंटरमीडिएट होस्ट है वो इनका इनवर्टिब्रेट है। सो दे डिपेंड ऑन द टू टाइप ऑफ होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट एंड फाइनल होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट इज इनवर्टिब्रेट, यूजली
और जो इनका फाइनल होस्ट है वो क्या होता है, वर्टिब्रेट होता है। इसमें दो क्लासेस जो है हम पढ़ेंगे, ट्रीमाटोडा एंड कैस्टोडा। कौन सी क्लासेस पढ़ेंगे? दो क्लासेस, ट्रीमाटोडा एंड कैस्टोडा। तो ये टू होस्ट रखते हैं, ये मोनोजीनिया में नहीं आएंगे, इनके ये टू होस्ट को इंजॉय करते हैं। हाँ जी, फर्दर इनका पैरासाइट का अगर हम देखें तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनमें। और मजे की बात कि कुछ तो ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हमें मिलेंगे जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम टोटली जो है वो मिस्ड होगा, रिड्यूस्ड होगा, उनमें होगा ही नहीं। वो डिफ्यूजन के जरिए जो है वो डाइजेस्टिव फूड लेंगे और पूरी बॉडी को दे देंगे। उसमें टैप वर्म की एग्जाम्पल आती है कि टैप वर्म हैव रिड्यूस्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये ज़्यादातर जो पैरासाइट हैं ये किस पे डिपेंड करेंगे? ये ब्लड पे और टिश्यूज़ पे, यानी हॉस्ट की टिश्यूज़ को लेंगे, ब्लड को लेंगे। और जो फ्री लिविंग हैं वो कार्निवोरस होते हैं, जैसे प्लेनेरिया है। तो ये क्या करेंगे? ये स्मॉल इंसेक्ट पे, क्रस्टेशियंस पे, इन पे ये डिपेंड करेंगे। इंसेक्ट को खाएंगे, क्रस्टेशियन को लेंगे, ये जो नॉन पैरासाइट है। और चाहे ये दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम हमें कैसा मिलता है? सैक लाइक। इनका ट्यूब्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, इनकी एक ही ओपनिंग है जिनको माउथ बोलते हैं, उसी से ये खाते हैं, उसी से ये एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट मटेरियल को। जबकि जो ट्यूब्यूलर होता है उसकी दो ओपनिंग होती है, माउथ एंड एनस। तो इनमें एनल ओपनिंग नहीं है। फिर पैरासाइट के अंदर मैंने जैसे पहले बोला था कि इनमें अटैचमेंट के लिए ये ऑर्गन रखते हैं, और वो ये चूंकि सीलिया तो इन्होंने रिमूव कर दिए हुए, तो इन्होंने बॉडी के साथ एडहेशन करनी है, अटैचमेंट करनी है, तो वो सकर्स के जरिए करेंगे। और सकर्स दो तरह के होंगे, ओरल सकर जो बिल्कुल माउथ के पास होगा और वेंट्रल उसके थोड़ा नीचे होगा सेंटर में, या फिर इनकी अटैचमेंट हुक्स के जरिए होगी। सकर हमें ज्यादातर मिलेंगे लिवर फेल्यूक में। फेल्यूक्स जितने भी हैं ट्रीमाटोडा के जो मेंबर हैं उनमें क्या होंगे? उनमें सकर्स होंगे, और उनमें यानी ओरल सकर और वेंट्रल सकर उनमें होंगे। और जबकि जो क्या नाम है ये हुक्स हैं जो ज्यादा डेंजरस हैं, जो ज्यादातर इंटेस्टाइन को भी जो है वो इंजर्ड करते हैं, तो हुक्स जो है ये भी प्रेजेंट होंगे। और कुछ में ये दोनों ही होंगे, हुक्स भी होंगे और सकर्स भी होंगे। जैसे टैप वर्म है वो दोनों रखेगा, हुक्स भी रखेगा और सकर्स भी रखेगा। सो ऑल दीज ऑर्गन आर अटैचमेंट एंड दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अडेप्टेशन इन पैरासाइट। रेस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें नहीं है। लाइफ साइकिल मैंने जैसे पहले बोला कि इनका पैरासाइट्स का बहुत कॉम्प्लेक्स है, हाईली कॉम्प्लिकेटेड है और डिफरेंट है। हर क्लास का आपको जो है लाइफ साइकिल दूसरी क्लास से डिफरेंट नजर आएगा। ये मोनोशियस होते हैं, हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। मेल और फीमेल और जो सिस्टम है रिप्रोडक्शन के, वो दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में होंगे। इनके हाईली डेवलप्ड गोनेड्स होंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी इसमें, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो इनका कॉपुलेटरी ऑर्गन है वो सीरस के नाम से होगा, जिसे पीनस या सीरस बोलेंगे। ये इनका इंटरनल फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए कॉपुलेटरी ऑर्गन होगा। और कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनकी डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, यानी उसमें इतने ज्यादा जो है लार्वल स्टेजेस नहीं बनेंगे, लेकिन एक सिंपली एक होगा जैसे प्लेनेरिया में। लेकिन जो इनके पैरासाइट है उनमें हाईली कॉम्प्लेक्स और इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल है, यानी उसमें बहुत सारे जो है कुछ तो है जिनमें चार चार पांच पांच जो है वो क्या बनते हैं, वो लार्वल स्टेजेस बनती हैं, वो आगे हम डिटेल से देखते हैं। और कोई भी आपसे पूछे कि सबसे कॉम्प्लेक्स जो है वो किसका लाइफ साइकिल है, तो वो हम कहेंगे कि ट्रीमाटोड्स में जो फेल्यूक है, लिवर फेल्यूक जैसे है, तो इनका चाइनीज फेल्यूक है, लिवर फेल्यूक है, तो इनका बहुत ही कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल है और बहुत सारे इसमें लार्वल स्टेजेस हैं। एसेक्सुअली ज्यादातर जो है ये फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन के प्रोसेस से जो है ये अपनी पॉपुलेशन में इजाफा करते हैं। एसेक्सुअली कम ही करते हैं, ज्यादातर ये क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एक और इनमें करेक्टर है जो मैंने पहले भी फर्स्ट लेक्चर में भी आपसे स्टडी किया था, और वो है सूडो सेगमेंटेशन।
यानी मेटामेरिकली सेगमेंटेशन नहीं है इनमें, टैप वॉर्म में हमें सूडो सेगमेंटेशन जो है फाल्स किस्म की, जो कि एम्ब्रियोनिक ओरिजिनेटेड नहीं होगी, फाल्स सेगमेंटेशन होगी। बॉडी के जो है स्टार्ट में टू पीस होंगे, जो फर्स्ट वाला होगा उसको हेड वाला कहेंगे और नीचे जो है वो सारा इसका जो है पूरी बॉडी बनाएगा, जो फर्दर छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड होगा और इन सेगमेंट को प्रोग्लॉटिड का नाम देंगे। हर सेगमेंट क्या कहलाएगा? प्रोग्लॉटिड, यानी ये एक सेगमेंट है, ये प्रोग्लॉटिड है और ये टैप वॉर्म में है और जिसका माउथ है वो स्कॉलक्स के नाम से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो माउथ है वो बहुत सारे हुक से कवर्ड है और उसके नीचे जो है वो सकर्स हैं, सकर्स अटैचमेंट के लिए हैं और हुक्स जो है वो भी अटैचमेंट के लिए हैं। तो ये होस्ट से अटैच करवाता है और उसके बाद जो है ये इसके जो छोटे छोटे सेगमेंट हैं इनको हम प्रोग्लॉटिड कहते हैं और ये मिलियन की फॉर्म में होते हैं, ये इतने ज्यादा होते हैं। और एक और चीज कि ये सेगमेंट अगर सेपरेट हो जाए तो हर सेगमेंट जो है वो नया ऑर्गेनिज्म बनाने की एबिलिटी रखता है, क्योंकि हर सेगमेंट का अपना अपना ऑर्गन है, हर सेगमेंट का जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलहदा से होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलहदा से होगा, तो वो अपने लिहाज से हर सेगमेंट एक पूरा ऑर्गेनिज्म है। तो ये इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही जो है रैपिड किस्म की है और हर सेगमेंट जो है वो नया ऑर्गेनिज्म बना देगा अगर सेपरेट हो जाएगा। सो सूडो सेगमेंटेशन ओनली सीन इन अ टैप वॉर्म, नॉट अदर मेंबर ऑफ अदर क्लासेस ऑफ प्लेटीहेलमिंथीज, जस्ट हमें किसमें मिलेगी? टैप वॉर्म में। तो ये इनके जनरल और यूनिक करेक्टरिस्टिक हो गए फ्लैट वॉर्म के। इन्हीं में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे शेयर कर लूं। इसी तरह के और भी क्वेश्चन जो है वो आपने बनाने भी हैं और उसको करना भी है। क्वेश्चन नंबर 1, ओनली 20 स्पीशीज ऑफ फ्लैट वॉर्म आर नॉन पैरासाइट बिलोंग टू द क्लास। तो 20 स्पीशीज जो है जस्ट इनकी नॉन पैरासाइट की है, इस तरह भी पूछ लेते हैं कि कितनी स्पीशी है तो वो हमने बतानी है। तो यहाँ 20 स्पीशी बता दी है लेकिन क्लास बतानी है कि क्लास कौन सी है, क्या वो कैस्ट्रोडा है, ट्रीमाटोडा है, मोनोजीनिया है या टर्बिलेरिया है। तो इसमें हम क्या कहेंगे? टर्बिलेरिया। ये क्वेश्चन मुख्तलिफ तरीके से आ सकता है कि एक्टोपैरासाइट कौन सी क्लास में होते हैं या यूजली एंडोपैरासाइट जो है वो कौन सी क्लास में है या टोटल स्पीशी जो है वो इनकी कितनी है। तो ये जो है मॉडिफिकेशन करके जो है वो डिफरेंट जो है इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका आंसर हमें पता है क्या है, टर्बिलेरियंस। हमने पहले पढ़ा है कि जितने भी नॉन पैरासाइट हैं वो किस में आएंगे? क्लास टर्बिलेरिया में। सेकंड क्वेश्चन है, पैरेन्काइमा सेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम, पैरेन्काइमा जो है वो मीजोडर्म से ओरिजिनेट करते हैं, तो पैरेन्काइमा कहाँ से होंगे? मीजोडर्म से होंगे। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, मेसोग्लिया, मेसोग्लिया तो इनमें है ही नहीं, तो ये जी कहाँ से ओरिजिनेट है पैरेन्काइमा? मीजोडर्म से है। उसके बाद है प्रोटेक्टिव म्यूकस शीथ अराउंड द बॉडी वॉल इज फॉर्म्ड बाय रैबडाइट इन। अच्छा, ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि प्रोटेक्टिव म्यूकस शीथ किन सेल से बनती है, तो उसमें रैबडाइट आएगा। लेकिन यहाँ पूछा हुआ है कि प्रोटेक्टिव शीथ रैबडाइट से बन रही है, लेकिन ये किन ऑर्गेनिज्म में है? क्या वो ड्यूजेसिया है, फेस्यूला हेपाटिका है, टीनिया सोलियम है या गायरोडेक्टाइलस है? अगर हमें इनके नेम आते हैं, हमें इनकी क्लास का भी पता है, तो हम फौरन बता देंगे कि वो ड्यूजेसिया है। ड्यूजेसिया प्लेनेरिया को बोलते हैं। इसलिए काइंडली आप लोगों ने एक काम करना है कि मैंने बहुत स्टार्ट में भी ये बात कही थी कि जो बहुत हमें कॉमन ऑर्गेनिज्म लगते हैं उनके साइंटिफिक नेम हमें आने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर साइंटिफिक नेम ही ऑप्शन में आ रहे होते हैं और अगर हमें इनके नेम आते होंगे हम फौरन बता देंगे। तो ड्यूजेसिया प्लेनेरिया में है तो प्लेनेरिया ही आएगा। फेस्यूला हेपाटिका जो है लिवर फेल्यूक है, टीनिया सोलियम जो है ये टैप वॉर्म में और पॉर्क टैप वॉर्म में और गायरोडेक्टाइलस जो है वो मोनोजीनिया क्लास में है। और गायरोडेक्टाइलस क्या है? ये फिश का बहुत ही कॉमन पैरासाइट है। इसमें दो होते हैं, एक गायरोडेक्टाइलस है, एक डेक्टाइलोगायरस है और ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो फिश फार्मिंग के लिए जो है वो लॉस कर रहे हैं, डिजीज पैदा करते हैं। फिशेस के गिल्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, स्किन जो है वो उसको ये ख़राब कर देते हैं
और फिश जो है वो अगर ये ज्यादा हो जाए तो फिश की फॉरन डेथ हो जाती है। तो ये गायरोडेक्टाइलस एंड डेक्टाइलोगायरस ये मोनोजीनिया से हैं और इसका भी पूछ सकते हैं। तो बहरहाल हमें इनके साइंटिफिक नेम आने चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा ठीक है? ड्यूजेसिया। क्वेश्चन नंबर 4, पॉलीक्लेट्स आर यूजली लार्ज एंड ब्यूटीफुल कलर्ड फ्लैट वर्म प्रेजेंट इन। ये मैंने स्टार्ट में आपको डायग्राम दिखा दी थी कि पॉलीक्लेट्स जो हैं ये ज्यादातर ब्यूटीफुल होते हैं और ये हैं भी कहाँ पर? ये सी वाटर में पाए जाते हैं। तो मैराइन वाटर जो है ये इसका ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन जो है वो आएंगे और अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बहुत आराम से जो है हम इनके आंसर जो है सुकून के साथ दे सकते हैं। हाँ जी, जैसे मैंने ये, खैर मैंने उसमें इनके फीचर्स में ये डिस्कस कर लिया था, लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि पैरासिटिक अडेप्टेशन इन्होंने क्या की है, क्या स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन की है पैरासाइट ने जो नॉन पैरासाइट पे नहीं है, जो प्लेन एरिया में आपको नहीं मिलेगी इनमें मिलेगी, और वो सबसे पहले आप जो है फिंगर टिप्स पे बोलोगे कि टैग्योमेंट फॉर्मेशन है। ये टैग्योमेंट की मैंने ये डायाग्राम दिखाई हुई है, ये अगर आप देखो तो ये जो ये लेयर है जिसको हम कहते हैं सेंसेशियल जोन, अगर आपको यहाँ से ये क्लियर डायग्राम नहीं मिल रही तो आपको मिलर एंड हार्ले से और हिकमैन से ये डायग्राम मिल जाएगी फाइलम प्लेटिहेल्मिंथीस के अंदर। तो ये परेशान नहीं होना कि स्लाइड्स ब्लर हैं तो हमें नजर नहीं आता, आपने मेरे बोलने पे फोकस करना है। और डायग्राम जो है आप जब ये लेक्चर ले रहे हो तो काइंडली बुक्स जो है वो अपने सामने रखो, डायग्राम वहां से भी देख सकते हो, क्योंकि पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं हमारे पास, हमने एमसीक्यूज की तैयारी करनी है, सब्जेक्टिव की नहीं करनी। तो आपको पॉइंट्स जो है कम से कम वो फिंगर टिप्स पे हो कि टैग्योमेंट किस में है, नॉन टैग्योमेंट किस में है, सीलिएटेड एपिडर्मस किस में है, ये चीजें हमें आनी चाहिए। तो ये इनका सेंसेशियल जोन है जिसमें तमाम सेल आपस में फ्यूज करके और एक बहुत ही रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बना ली है, और उसकी अपर लेयर में ये जिनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, जिनको जो है माइक्रो यानी माइक्रोविलाई का नाम भी देंगे। तो यहाँ पर ये देखें, ये इनकी टेंटिकल टैग्योमेंट है। टैग्योमेंट के बाद एक चीज मैं आपको से डिस्कस करना भूल गई कि इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे मसल्स बड़े स्ट्रांग होंगे, इनमें सर्कुलर मसल भी होंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होंगे। तो ये मस्क्यूलर, हाईली मस्क्यूलर इनकी बॉडी वाल होगी, चाहे ये नॉन पैरासाइट है चाहे पैरासाइट है, तो मसल स्ट्रांग है, सर्कुलर भी है लॉन्जिट्यूडनल भी है। तो जस्ट ये टैग्योमेंट का आपने जहन में रखना है कि ये एक पैरासिटिक इनकी अडेप्टेशन है और ये इतनी रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होती है कि कोई मेडिसिन जो हम अमूमन लेते हैं वो टैग्योमेंट को तोड़ नहीं पाती। तो ये इनकी प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्शन के लिए है, इम्यून सिस्टम होस्ट की इम्यून सिस्टम के खिलाफ जो है ये प्रोटेक्शन करती है। सेकेंड जो इसकी स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है, हमने पहले ही पढ़ लिया कि सकर है और हुक डेवलपमेंट है, यानी कि अटैचमेंट ऑर्गन इन्होंने बना लिए हैं सकर्स की फॉर्म में, हुक की फॉर्म में, और कुछ नहीं, ये दोनों रखे हुए हैं जैसे टैपवर्म है वो दोनों एक टाइम में रखता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका नॉन पैरासाइट की तरह नहीं है, इनका सिंपल है और बाज ने सिरे से ही अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया है जैसे टैपवर्म है। और फाइनली दे हैव अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल, आगे हम डिटेल से पढ़ते भी हैं, हर क्लास का अपना अपना लाइफ साइकिल हम देखेंगे कि इन्होंने क्या अडेप्टेशन की है। इतने ज़्यादा लार्वल स्टेजेस रखी हुई हैं कि इनको जो है बॉडी से ख़त्म करना, होस्ट की बॉडी से ख़त्म करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज दे हैव वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल विद मोर देन 2 or sometimes 4 लार्वल स्टेजेस, और वो हम देखते हैं आगे। तो ये क्या थी, इनकी स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन थी। अब हम बढ़ते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की तरफ और साथ साथ इनके बॉडी के सिस्टम भी डिस्कस करते हैं। जी, प्लेटिहेल्मिंथीस में ये जो है आपको चार्ट दिखा रहा है कि ट्रीमाटोड सबसे ज्यादा है। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि इनकी क्लास में सबसे लार्जेस्ट क्लास कौन सी है, तो वो है ट्रीमाटोडा। उसके बाद वैसे इनकी 4 क्लासेस हैं, टर्बिलेरिया, कैस्ट्रोडा, मोनोजीनिया एंड ट्रीमाटोडा। टर्बिलेरिया में जैसे मैंने पहले बताया
प्लेनेरिया है और सी वाटर के ऑर्गेनिज्म है जैसे पॉलीक्लेड्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। कैस्ट्रोडा में हमारे पास जो है वो टैपवॉर्म है, ये आएंगे। मोनोजीनिया में मैंने जैसे पहले बताया था एक्टोपैरासाइट आएंगे, और एक होस्ट वाले जो एक होस्ट पे डिपेंड करते हैं उनके मैंने नेम भी आपको बताए हैं, जैसे गायरोडेक्टाइलस है, डेक्टाइलोगायरस है। और ट्रीमाटोड में ये लीफ लाइक ऑर्गेनिज्म आएंगे, फलियुक, जितने भी फलियुक होंगे वो सारे किसमें आएंगे, ट्रीमाटोड में। क्लियर हो गया ये, अब आगे बढ़ते हैं। अब वन बाय वन हर क्लास को हम डिस्कस करते हैं। क्लास टर्बिलेरिया, इसके, हाँ जी, एपिडर्मस हमने पहले पढ़ ली है कि ये सीलिएटेड है और इसमें रेबडाइट्स हैं, इसमें ग्लैंड सेल हैं, ग्लैंड सेल म्यूकस बनाते हैं, उसी म्यूकस को कवरिंग की शक्ल में कौन देते हैं, रेबडाइट्स देते हैं। तो ये यूनिक करेक्टरिस्टिक हैं किसके, टर्बिलेरिया के। उसके अलावा एपिडर्मस किससे कवर्ड है, सीलिया से, और फॉर लोकोमोशन, तो लोकोमोशन के लिए इनमें क्या है, सीलिया है। सो दे हैव अ सीलिएटेड एपिडर्मस, नॉट कंटेन टैग्यूमेंट, टैग्यूमेंट फॉर्मेशन नॉट सीन इन अ क्लास टर्बिलेरिया। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे इनके मैंने जैसे बताया है कि हर तरह के इनके मसल्स हैं, इनके सर्कुलर मसल भी हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी हैं, डायागोनल भी हैं, और डार्सो वेंट्रल फाइबर भी हैं इनके अंदर। सो वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिवेलप्ड मस्क्यूलर सिस्टम इन फ्लैट वर्म, स्पेशली टर्बिलेरिया। वन बाय वन इनके सिस्टम देखते हैं। जब भी हम सिस्टम पढ़ते हैं तो हम प्लेनेरिया को फोकस करते हैं क्योंकि ये नॉन पैरासाइट है और इसकी एनाटॉमी जो है वो रिप्रोडक्शन को छोड़ के बाकी बहुत ज्यादा उनसे कॉम्प्लेक्स है पैरासाइट से। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका, प्लेनेरिया का हमारा जो है डायग्राम में जैसे नजर आ रहा है, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। और इसकी वेंट्रल साइड के मिड पे जो है वो माउथ है, और मजे की बात कि इसके माउथ से फेरेंक्स जो है वो जो हमें नजर आ रही है, इवर्सिबल फेरेंक्स है, और ये इंतहाई मस्क्यूलर है। हमने जब जैसे पहले ही बात की थी कि ये कार्निवोरस है, तो ये अपने इस माउथ से जो है स्मॉल इंसेक्ट, क्रस्टेशियन और रोटिफर्स को ये लेके जाता है। उसके बाद ये अपने गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी में लेके जाएगा। गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी थोड़ी सी यहाँ पे डिवेलप है नाइडेरियन की निस्बत, तो इसकी गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी जो है उसकी थ्री ब्रांचेज हैं। वन जो है वो एंटीरियर ब्रांच है, और टू जो है वो लेटरल पोस्टीरियर ब्रांचेज हैं। और ये जो इनकी ये ट्यूब्स हैं, इनकी वेस्क्युलर जो है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, वो फर्दर जो है वो उसमें डाइवर्टिक्यूलम हमें नजर आ रहे हैं साइड्स पे, तो ये सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा, और ये इंटेस्टाइन के तौर पर काम कर रही है इनमें। ये जो ब्रांच्ड हमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नजर आ रही है, तो ये इंटेस्टाइन के तौर पर है, और इसके ये डाइवर्टिक्यूलम बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सीकम होते हैं, तो सीका है यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इनको हम डाइवर्टिक्यूलम कहेंगे। और यहाँ पर जो है सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा जो है वो फूड की डाइजेशन होती है और उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो दोबारा माउथ से ही जो है वो बाहर निकलता है। तो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है इनका। बाकी इसकी अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, तो मैंने पहले भी कहा था कि नर्वस सिस्टम इनका लैडर लाइक है, जैसे ये प्लेनेरिया में यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके सेरिब्रल गैंग्लिया जो है वो फ्रंट पे ये नजर आ रहे हैं रेड कलर के। उसके बाद जो दो इसमें लेटरल नर्व कॉर्ड है, और वो आपस में बहुत सारे ट्रांसवर्व नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड है। तो इस तरह इनका नर्वस सिस्टम भी हमें नाइडेरियन की निस्बत जो है वो डिवेलप नजर आता है, यानी इसमें सेरिब्रल गैंग्लिया है, इसमें लेटरल नर्व कॉर्ड है, पेयर ऑफ लेटरल नर्व कॉर्ड एंड मेनी ट्रांसवर्व नर्व कॉर्ड। तो ये हो गया इनका पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, और फिर हमने इनका क्या देखा, नर्वस सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे मैंने पहले ही बात की कि इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो प्रोटोनेफ्रिडिया है इनमें, और प्रोटोनेफ्रिडिया और मेटानेफ्रिडिया के दरमियान मैंने फर्क भी बताया है। प्रोटोनेफ्रिडियम वो होते हैं जो ब्लाइंड सेल होते हैं, जिनकी इंटरनल ओपनिंग नहीं होती। ये फ्लेम सेल में आपको नजर आ रहा होगा कि ये बिल्कुल ब्लाइंड है, नो इंटरनल ओपनिंग, नो नेफ्रोस्टोम,
ओनली एक्सटर्नल ओपनिंग इज प्रेजेंट। और इनको फ्लेम सेल इसलिए कहेंगे कि इसके सेल के अंदर जो है एक टफ्ट होता है सीलिया का, और वो टफ्ट जो है वो जब वो बीट कर रहे होते हैं सीलिया तो ऐसे लग रहा होता है जैसे फ्लेम हो। तो ये क्यों बीट करते हैं? ये एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से जो है वो पानी और वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब करने के लिए, और जब वो सेल में चला जाता है तो जो यूज़फुल मटेरियल है वो दोबारा से बॉडी में चले जाएंगे, और वेस्ट मटेरियल जो है वो हर फ्लेम सेल जो है अपना वेस्ट मटेरियल जो है वो किसको दे देगा? इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल को, और वो एक्सक्रीटरी कैनाल जो है एक्सटीरियर पोर से बॉडी से बाहर जो है वेस्ट मटेरियल को खारिज कर देंगे। चूँकि ये वाटर में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है और इसका वेस्ट मटेरियल जो है वो, इसका वेस्ट मटेरियल क्या है? इसका वेस्ट मटेरियल अमोनिया है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि एक तो ये प्रोटोनेफ्रीडियम है, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो सेल है, यानी पहले हमने कहना है कि लॉन्गिट्यूडनल बहुत सारी जो है, ये दो लॉन्गिट्यूडनल इसकी क्या है? एक्सक्रीटरी कैनाल है, और ये कैनाल ब्रांच्ड है, और हर ब्रांच जो है वो किससे एंड हो रही है? फ्लेम सेल से। और फ्लेम सेल की नेचर क्या है? फ्लेम सेल प्रोटोनेफ्रीडियम है। और प्रोटोनेफ्रीडियम और मेटा में मैंने क्या फ़र्क बताया कि प्रोटोनेफ्रीडियम जो है ब्लाइंड सेल होते हैं और एक्सक्रीशन के लिए है, इनमें कोई भी इंटरनल ओपनिंग नहीं है, जबकि मेटानेफ्रीडियम एक्सटर्नल ओपनिंग भी रखते हैं, इंटरनल ओपनिंग भी रखते हैं, और वो वेल डिवेलप ऑर्गेनिज्म में होते हैं, जबकि प्लेनेरिया में हमारे पास जो है वो कौन सा है? फ्लेम सेल एज अ प्रोटोनेफ्रीडिया काम करेगा। उसके बाद हम आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले हम प्लेनेरिया का पढ़ेंगे, उसके बाद हम पैरासाइट का देखेंगे। तो इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह का है? इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिजन के थ्रू है, फिशन है, रीजनरेशन के थ्रू होती है, लेकिन रीजनरेशन की इतनी यानी पावर नहीं है, इतना स्पीडी नहीं है जितना कि हम नाइडेरिया में या पोरीफिरा में पढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये हर्मोफ्रोडाइट हैं, जैसे आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको एक ही बॉडी में नज़र आएंगे, और इनका वेल डिवेलप है। फर्टिलाइजेशन, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेंगे, क्योंकि इनकी मैच्योरेशन में, एग और स्पर्म की मैच्योरेशन एक टाइम में नहीं होती, इसलिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी, स्पायरल क्लीवेज होगी, और यॉक फॉर्मेशन बाय वाइटिलेरियन, वाइटिलेरिया जो ग्लैंड है उनसे जो है वो वाइटिलेरियन सेल जो है उनसे यॉक बनेगा। और पहले ही जैसे मैंने बताया कि इनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन सीरस कहलाएगा, और जो है मेल के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन है उसमें कॉपुलेटरी ऑर्गन होगा सीरस। ये डायग्राम भी आपको हिकमैन की बुक से मिल जाएगी। तो आपने यानी सिंपली क्या देखना है कि ये हर्मोफ्रोडाइट है, मेल फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक ही ऑर्गेनिज्म में है। अच्छा, एक चीज़ और बहुत ज़्यादा पूछते हैं, एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड पूछ लेते हैं कि सेमिनल वेसिकल और सेमिनल रिसेप्टिकल में क्या फ़र्क है। यहाँ पर आपको एक ही डायग्राम में सेमिनल वेसिकल भी नज़र आ रहा है और सेमिनल रिसेप्टिकल भी नज़र आ रहा है। सेमिनल वेसिकल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन, जो सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन जो सेमिनल वेसिकल है वो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, जबकि सेमिनल रिसेप्टिकल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन है, उसका ये पार्ट है। और सेमिनल वेसिकल मेल के अंदर स्पर्म को स्टोर करता है और स्पर्म को मैच्योर करता है, स्पर्म में मॉडिफिकेशन जो आती है उसकी मैच्योरेशन जो आती है वो सेमिनल वेसिकल में आती है, जबकि जब फीमेल में स्पर्म दे दिए जाते हैं तो वहाँ पर फीमेल जब उसको स्टोर करती है तो वो सेमिनल रिसेप्टिकल में स्टोर करती है। तो ये अक्सर पूछ लेते हैं, तो सेमिनल रिसेप्टिकल इज़ अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेमिनल वेसिकल इज़ अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बाकी अगर हम फीमेल की बात करें तो इनमें वन पेयर ऑफ ओवरीज होंगी, और फिर उसके बाद इनकी ब्रांच्ड ओविडक्ट होगी, हर ओविडक्ट की साइड पे जो है वो वाइटिलेरिया या यॉक ग्लैंड होंगे, और उसके बाद जो है ये दोनों ओविडक्ट जो है वो किस में जाएंगी? ये फीमेल जो है ये गोनोपोर होगा, साइड पे सेमिनल क्या होंगे? रिसेप्टिकल होंगे। और अगर हम मेल की बात करें तो मेल में भी वन पेयर ब्रांच टेस्टिस होंगे, और उसमें जो है वो फिर किस में ओपन होंगे? वो वास डेफरेंस में ओपन होंगे, और फिर वो जो है वो कहाँ जाएंगे, यानी कि वह कहाँ? कॉपुलेटरी ऑर्गन में वो खुलेंगे, और कॉपुलेटरी ऑर्गन जैसे मैंने आपको बताया कि इनका क्या है? सीरस है।
तो इस तरह हमने ये दोनों रिप्रोडक्टिव पोर्शन एक ही बॉडी में देखे हैं, सो दे आर हर्मोफ्रोडाइट या मोनेशियस इन नेचर। बाकी इसमें बात करें तो इतनी कोई कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट नहीं है। फ्री सिलिएटेड जो है वो फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा इसमें बनेगा और वो लार्वा जो है बाद में एडल्ट में चेंज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वही बात जो मैंने पहले रिपीट की थी कि सेमिनल रिसेप्टेकल इज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें सेमिनल वेजिकल भी आ सकता है, इज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने बताना है कि किसका है, क्योंकि यहाँ पे सेमिनल रिसेप्टेकल पूछे हैं तो रिसेप्टेकल माइंड में रखिएगा रिसीव करने से है, और रिसीव कौन करती है, फीमेल। तो यहाँ पर और वेजिकल जो है वो मेल का पोर्शन है, तो रिसेप्टेकल किसका है, सेमिनल रिसेप्टेकल, इसमें बी ऑप्शन आएगा फीमेल। तो यहाँ पर सेमिनल वेजिकल भी पूछ सकते हैं। सेकंड जो है बोथ सकर एंड हुक फॉर्मेशन सीन इन, तो दोनों इकट्ठे किसमें होते हैं, सकर और हुक, ये हमने जो है वो टैपवर्म में पढ़े थे, उसके स्कॉलक्स में आपने देखे थे कि जो माउथ था वो बहुत सारे हुक से कवर्ड था और उसके नीचे जो है वो ओरल सकर थे, वेंट्रल सकर थे। तो ये दोनों इकट्ठे हमें किसमें मिलते हैं, टैपवर्म में, जबकि जो फेल्यूक है उनमें हमें हुक्स नहीं मिलते, उसमें हमें क्या मिलता है, उसमें हमें सिर्फ सकर्स मिलते हैं। जावर्म में ज्यादातर जाज होते हैं, रिबन वर्म जो है वो उसमें जो है वो जो है आपको दोनों इकट्ठे नहीं मिलेंगे, तो टैप वर्म जो है इसका ऑप्शन आएगा, वो ऑप्शन इसका ठीक होगा। फ्लेम सेल आर टाइप ऑफ, हमने अभी पढ़ा फ्लेम सेल कौन सी टाइप है, प्रोटोनेफ्रीडिया है, तो यहाँ मेटानेफ्रीडिया नहीं आएगा। तो मेटानेफ्रीडिया माइंड में रखिएगा कि मेटानेफ्रीडिया जो है वो एनिलिड से स्टार्ट होता है, तो उनमें ये वेल डिवेलप्ड है, जबकि हम पढ़ रहे हैं प्लेटीहेलमिंथीस तो उसमें क्या है, प्रोटोनेफ्रीडिया, और उसका मैंने अभी आपको पीछे स्लाइड में फर्क भी बताया है प्रोटो और मेटा का। तो इसमें जो है वो फ्लेम सेल भी पूछ सकते हैं, या प्रोटोनेफ्रीडिया यहाँ पर क्वेश्चन में हो सकता है और नीचे फ्लेम सेल लिखा होगा, तो ये मुख्तलिफ तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑर्गेनिज्म ऑफ फ्लैट वर्म हैज कार्निवोरस इन नेचर। अच्छा, ऑप्शन में है शिस्टोसोमा, ड्यूजेसिया, फैसुला हेपेटिका, डेक्टाइलोगायरस। पहली बात तो ये है कि कार्निवोरस हमने पहले सारा पढ़ लिया कि बाकी सारे क्लासेस के पैरासाइट हैं, सिर्फ टर्बिलेरिया जो क्लास है वो कार्निवोरस है। तो यहाँ पर टर्बिलेरिया का कोई मेंबर भी आ सकता है, जरूरी नहीं है वो ड्यूजेसिया हो, वो पॉलीक्लेड भी आ सकते हैं, वो मरीन जो है फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आ सकते हैं, यहाँ पर फ्री लिविंग टर्बिलेरियन भी लिखा आ सकता है। तो हमें ये बस पता होना चाहिए कि टर्बिलेरियन और उसके मेंबर कौन कौन से हैं, तो हम फौरन बता देंगे कि वो क्या है, कार्निवोरस है। शिस्टोसोमा जो है ये फेल्यूक यानी ये ट्रीमाटोडा का मेंबर है, फैसियोला हेपेटिका भी ट्रीमाटोडा का क्लास ट्रीमाटोडा में आता है, डेक्टाइलोगायरस जो है वो मोनोजीनिया में आता है, जबकि ड्यूजीसिया जो है वो किस में आता है, टर्बिलेरिया में। हाँ जी, हमारी क्लासिफिकेशन जो है वो उसमें हमने टर्बिलेरिया को कंप्लीट किया, अब हम जो है ट्रीमाटोडा की तरफ बढ़ते हैं। क्लास ट्रीमाटोडा, इसमें फेल्यूक आएंगे, इसमें चाहे ब्लड फेल्यूक है, लिवर फेल्यूक है, चाइनीज फेल्यूक है, तो हर टाइप के जो फेल्यूक है लीफ लाइक प्रॉपर स्ट्रक्चर वाले जो है वो किस में आएंगे, वो क्लास ट्रीमाटोडा में आएंगे। इनके करेक्टरिस्टिक जो है पहले भी देखे हैं, फिर देख लेते हैं। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, लीफ लाइक है, इनकी अनसेगमेंटेड बॉडी है और टैग्यूमेंट के साथ ये क्यूटिकल की लेयर भी चढ़ाते हैं, तो ये ज्यादा जो है अपने आप को इन्होंने प्रोटेक्टिव रखा हुआ है, रेजिस्ट करते हैं बहुत ज्यादा, ये एक दफा होस्ट के अंदर चले जाएं तो इनको बॉडी से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज दे हैव अ टैग्यूमेंट आल्सो कवर्ड बाय क्यूटिकल, दैट इज वेरी रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। अच्छा, फिर इसका सक्कर होते हैं, इनमें हुक्स नहीं होते, मैंने पहले ही बताया इसमें दो सक्कर होते हैं, एक ओरल सक्कर होगा और एक वेंट्रल सक्कर होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें है, एक्सक्रीटरी सिस्टम वही फ्लेम सेल, नर्वस सिस्टम जैसे ड्यूजेसिया का पड़ा था वैसा ही है, और डाइजेस्टिव सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है क्योंकि ये पैरासाइट है, और हर्मोफ्रोडाइट है, और इनकी कॉम्प्लेक्स जो है इसके जो है ट्रीमाटोड और हर्मोफ्रोडाइट, सिर्फ शिस्टोसोमा जो है वो सेपरेट जो है स्पर्म रखता है, बाकी सारे फेल्यू क्या होंगे, हर्मोफ्रोडाइट होंगे, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही ऑर्गेनिज्म में होगा।
लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स है। अभी हम लिवर फेल्यूर का लाइफ साइकिल देखते हैं। इसमें जो है ये टू होस्ट पे ये डिपेंड करता है, इसका इंटरमीडिएट होस्ट भी है और इसका फाइनल होस्ट भी है। हाँ जी, ये लाइफ साइकिल है फेस्यूला हेपाटिका का। यहाँ पर अगर आपको डायग्राम क्लियर नज़र नहीं आ रही तो फिर आप बुक से कंसल्ट करें, लेकिन मेरा यहाँ पर मकसद है आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने का। उनको आप जो है साथ साथ नोट कर लें अपनी कॉपी पे। लाइफ साइकिल ऑफ फेस्यूला हेपाटिका डायग्राम, यहाँ पे मैंने फेस्यूला हेपाटिका की लिवर फेल्यू की दी है, और ये 5 लार्वल स्टेजेस रखता है। इसकी जो इम्पोर्टेंट बात है इसके लाइफ साइकिल में, वो 5 लार्वल स्टेजेस है। साइकिल की तरफ हम बाद में आते हैं, पहले वो लार्वल स्टेजेस कौन सी हैं वो देख लेते हैं। हाँ, इसका जो फर्टिलाइज्ड एग है, ओवा या एग जो है, उसमें से पहला जो लार्वा होगा वो माइरासीडियम लार्वा होगा, सीलिएटेड इलोंगेटेड माइरासीडियम लार्वा, और इन्फेक्शन काज करेगा। ये इन्फेक्शन जो है वो माइरासीडियम से काज होगा, तो पहला इनका लार्वा जो है वो क्या कहलाएगा, माइरासीडियम। अच्छा, सेकंड जो इसका लार्वा है वो स्पोरोसिस्ट कहलाएगा, उसके ऊपर कोई भी सीलिया नहीं होंगे, इलोंगेटेड होगा और स्पोरोसिस्ट कहलाएगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके अंदर होगी और उसमें बहुत सारे डॉटर स्पोरोसिस्ट बनेंगे, और फिर उनसे कौन सा निकलेगा, रेडिया लार्वा थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो यानी लार्वा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बहुत ज्यादा क्या देगा, रेडिया लार्वा। अच्छा, हमारा यानी ये हमने ये पढ़ा, तीसरा लार्वा कौन सा है, रेडिया लार्वा। पहला माइरासीडियम, फिर स्पोरोसिस्ट, फिर कौन सा, रेडिया। उसके बाद जो चौथा है वो है सर्केरिया, और सर्केरिया के बाद जो है सर्केरिया लार्वा जो है उसमें फ्लेजेला होगा, फ्री स्विमिंग करेगा। और सर्केरिया के बाद जो अगला लार्वा 5 नंबर पे है वो है मेटा सर्केरिया। वो अपना फ्लेजेला जो है वो रिमूव कर देगा और अपने ऊपर एक इंसिस्ट चढ़ा ले, एक जो है वो कैप्सूल टाइप जो है वो सिस्ट चढ़ा लेगा, रिजिस्ट करेगा, और फिर वो जो है जो ही वो होस्ट में जाएगा तो वो अडल्ट में चेंज हो जाएगा। तो 5 इसमें लार्वल स्टेजेस हैं, माइरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया एंड मेटा सर्केरिया। इनके आपको नाम जो है आने चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि कौन से इनमें से हैं लार्वल स्टेजेस जो इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर होंगी, कौन सी जो है वो फ्री स्विमिंग करेंगी, और कौन सी ऐसी हैं जो फाइनल होस्ट के अंदर होंगी। जी, सबसे पहले अगर हम बात स्टार्ट करें, हम यहां से बात स्टार्ट करते हैं कि वर्टिब्रेट से के अंदर ये रहेगा, और इसके वर्टिब्रेट जो है ये इसके फाइनल, इसका फाइनल होस्ट है। और वो वर्टिब्रेट कौन सा हो सकता है, वो बीफ हो सकती है, यानी शीप, शीप हो सकती है, और काओ, बफलो और ह्यूमन बीइंग, इनमें से कोई भी जो है इसका फाइनल होस्ट हो सकता है। उसकी इंटेस्टाइन से जो है ये मूव करता हुआ ये एडल्ट जो है बाइल डक्ट में जाएगा और बाइल डक्ट में रहेगा। तो फेस्यूला हेपाटिका की जो उसका फाइनल जगह है जहाँ पे उसने रहना है वो है बाइल डक्ट। तो यहाँ से ही वो मैच्योर होगा और अपने जो एग जो है वो खारिज करेगा, फीसिस के साथ, हुमेन है तो उसके फीसिस के साथ वो एग जो है वो बाहर आ जाएंगे, और वो जो है फर्टिलाइज्ड एग जो है वो फर्टिलाइज्ड एग जो है सबसे पहले उसमें जो है पहला लार्वा जो बनेगा वो कौन सा होगा, माइरासीडियम लार्वा। तो इनफर्टिलाइज्ड एग से जो है इसका शेल उतरेगा और उसमें से कौन सा निकलेगा, माइरासीडियम लार्वा। माइरासीडियम लार्वा जो है वो वाटर को सर्च करेगा और वहां पे पानी में ये क्या करेगा, फ्रीली मूव करेगा, और पानी में अगर उसको होस्ट कोई मिलता है तो उसमें उसके अंदर जाएगा और वो होस्ट होगा इनवर्टिब्रेट से, और उसका फेवरेट जो होस्ट है वो है स्नेल। तो फाइलम मोलस्का का के मेंबर को ये जो है इनवर्टिब्रेट होस्ट बनाता है, उसको इंटरमीडिएट होस्ट बनाता है, और ये इंटरमीडिएट इसलिए कहेंगे कि बहुत थोड़ी देर के लिए ये इस होस्ट के अंदर जाएगा। तो स्नेल इसका क्या है, इंटरमीडिएट होस्ट है। जो ही ये स्नेल के अंदर जाएगा
ये लार्वा ये अपने सीलिया उतार देगा और उसी स्नेल के अंदर, उसके गट के अंदर जाके, जो पहला यानी कि इसमें माइरासीडियम तो है ही है, उसमें जो इसका लार्वा जो सीलिया उतारने के बाद बनेगा वो कौन सा होगा? वो स्पोरोसिस्ट होगा। स्पोरोसिस्ट जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बनाएगा? रेडिया, इसी के अंदर। और फिर रेडिया से जो है वो कौन से लार्वा बनेंगे? बहुत सारे जो है फ्लैजिलेटेड सर्केरिया लार्वा बनेंगे, और सर्केरिया लार्वा जो है स्नेल को छोड़ देगा और पानी में फ्रीली जो है वो मूव करेगा। तो बहुत थोड़ी देर के लिए ये स्नेल के अंदर रहा है। अच्छा, उसके बाद ये पानी में मूव करता हुआ जो ही तो ये खुश्की पे आएगा, तो वहां पर ये जो है किसी भी यानी प्लांट के ऊपर या हर्ब्स के ऊपर जो है ये उसके लीफ के ऊपर जो है ये चला जाएगा, और वहां पर जाके सबसे पहले क्या करेगा? अपना फ्लेजेला रिमूव करेगा और अपने बाहर एक सिस्ट चढ़ा लेगा, एक रेजिस्टेंट सिस्ट चढ़ा लेगा, और फौरन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेटासर्केरिया में। तो मेटासर्केरिया इज द फाइनल लार्वल स्टेज इन दिस लाइफ साइकिल। अच्छा, फिर अब इसको ये जो प्लांट्स हैं इनको या तो अगर डायरेक्ट जो है काओ बफलो वगैरह खाएंगी तो ये उनके अंदर चला जाएगा, और या फिर जो है उन काओ को सही तरह से उनके मीट को कुक ना करके अगर हम लोग खा लें ह्यूमन बीइंग तो उसके अंदर चला जाएगा, या डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर भी जा सकता है कि अगर ये किसी जो है वो हर्ब्स के ऊपर है तो यानी कि वो प्लांट जो है वो डायरेक्ट अगर ह्यूमन बीइंग ने ले लिए हैं उसकी जो है मतलब जैसे कोई सब्जी ले ली है तो डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर ये चला जाएगा, और वहां पे एडल्ट में जाके ये चेंज हो जाएगा बाइल डक्ट में, और फिर से ये साइकिल जो है वो रिपीट होगा। तो मैंने इसको बहुत डिटेल से बताने की कोशिश की है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं। एक तो आपको लार्वल स्टेजेस आनी चाहिए, एक ये कि इसका फाइनल होस्ट कौन सा है, इसका इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है, फाइनल होस्ट में इसकी कौन सी जो है वो लार्वल स्टेजेस या एडल्ट है या नहीं, और इंटरमीडिएट होस्ट में कौन कौन से इसके जो है लार्वल स्टेजेस हैं। तो ये जो है कंप्लीट लाइफ साइकिल हो गया इसका फेस्युला हेपेटिका का। अगली क्लास है हमारी क्लास मोनोजीनिया। नाम से जाहिर है सिंगल होस्ट है इनका, इनका कोई डबल होस्ट नहीं है, एक ही होस्ट होगा, और ये एक्टो पैरासाइट होंगे। ऑल मोनोजीनिया जीन्स आर एक्टो पैरासाइट, और एक्टो पैरासाइट भी ये किसके हैं? अमूमन ये फिश के हैं, फ्रॉग के हैं, और कहाँ रहेंगे? या उसकी स्किन में रहेंगे और ज्यादातर उसके गिल्स में रहेंगे। हैव अ डायरेक्ट लाइफ साइकिल इन अ सिंगल होस्ट, और डायरेक्ट लाइफ साइकिल होगा इसमें ज्यादा लार्वल स्टेजेस भी नहीं बनेंगी, एक ही इसका लार्वा होगा जिसे ऑन्को माइरासीडियम या सीलिएटेड लार्वा कहेंगे। ऑन्को माइरासीडियम लार्वा इज फॉर्म्ड इन अ मोनोजीनिया क्लास व्हाइल ऑल अदर प्रीवियसली डिस्कस दैट फॉर्म्ड इन अ ट्रीमाटोडा। तो फिर ये ऑन्को माइरासीडियम जो लार्वा है ये होस्ट के गिल्स के साथ अटैच होगा, इसकी पोस्टीरियर हुक होंगे और उसके साथ ये अटैच कर लेगा, और फिर वहां से ये एडल्ट में चेंज हो जाएगा, और जब ये एडल्ट में चेंज होगा तो लार्वा जो है वो और लार्वा और एडल्ट जो है वो सिमिलर होंगे। बस फर्क इतना है कि जो लार्वा के पोस्टीरियर हुक थे वो एक वेल डिवेलप स्ट्रक्चर में चेंज हो गए हैं जिसे ऑफिस थैपर बोलते हैं। ऑफिस थैपर इज अ स्पेशल पोस्टीरियर स्ट्रक्चर फॉर अटैचमेंट विद अ होस्ट गिल्स एंड स्किन। तो जो ही कभी ये क्वेश्चन आ जाए ऑफिस थैपर तो वो फौरन आपने बताना है कि ये एक जो ऑर्गन है और ये अटैचमेंट के लिए है, और ये किसमें है? ये क्लास मोनोजीनिया के एडल्ट मेंबर में है। दिस पैरासाइट कैन बिकम सीरियस पेस्ट ऑफ फिश फार्मिंग। मैंने पहले बात की है कि बहुत ज्यादा ये फिश फार्मिंग में ये नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत सारी फिशेज जो है इन्हीं मोनोजीनिया जो है ये क्लास के मेंबर से जो है वो डाई हो रही हैं और डिस्ट्रॉय हो रही हैं। और उसमें मैंने एग्जांपल आपको पैरासाइट की दी थी, गायरोडेक्टाइलस एंड डेक्टाइलोगायरस। तो ये फेमस जो है एक्टो पैरासाइट है जो क्लास मोनोजीनिया से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हमारी जो हमने क्लास पढ़नी है लास्ट में वो है कैस्ट्रोडा। तो कैस्ट्रोडा यानी जिसमें टैप वर्म आएंगे, इसके करेक्टरिस्टिक भी देख लेते हैं। ज्यादातर ये इलोंगेटेड बॉडी रखते हैं, सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड,
विथ फ्लैट बॉडी यूजली मेनी शॉर्ट सिमिलर सेक्शन, सूडो सेगमेंटेशन का प्रोसेस है, और इसमें बहुत सारे सेगमेंट फॉल्स बनते हैं जिसको मैंने पहले बताया प्रोग्लॉटिड्स के नाम से है, और हर सेगमेंट के अंदर अपना अपना सिस्टम होगा। और एक चीज़ इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम इन मेंबर में नहीं होता या रिड्यूस होता है या बिल्कुल ही नहीं होता। कोई किसी किस्म के सीलिया नहीं है इनमें, टैग्यूमेंट से कवर्ड होती है इनकी एपिडर्मस लेकिन उसमें क्यूटिकल नहीं है। इनका भी लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स है। लाइफ साइकिल से पहले देख लेते हैं इनके मसल्स लेयर, पैरेन्काइमा है, पेयर्ड एक्सक्रीटरी डक्ट है। अच्छा, एक पेयर होगा हर सेगमेंट के अंदर, एंड नर्व रिंग विथ थ्री पेयर्स ऑफ नर्व कॉर्ड, इनमें तीन पेयर है नर्व कॉर्ड के। तो ये चीजें हैं, और क्या है इसमें, और फूड इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली थ्रू बॉडी वाल। जाहिर है इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है तो बॉडी की सरफेस से खुराक जो है वो एब्जॉर्ब होगी। एंडोपैरासाइट है लाइक ट्रीमाटोडा, ये एंडोपैरासाइट है। इनके अंदर भी दो तरह के होस्ट होते हैं, ज़्यादातर ये वर्टिब्रेट को लाइक करते हैं, उनके अंदर ये रहना पसंद करते हैं। और बॉडी मैंने पहले ही बता दिया कि दो इसके हिस्से हैं, जो फ्रंट का माउथ वाला हिस्सा है इसे स्कॉलक्स कहेंगे, और जो सेगमेंट है हर सेगमेंट को प्रोग्लॉटिड का नाम देंगे। डायाग्राम में आपको नज़र आ रहा है हर सेगमेंट का अपना अपना सिस्टम है, इसलिए अगर ये सेगमेंट सेपरेट हो जाए तो ये नया ऑर्गेनिज्म बनाने की पूरी सलाहियत रखते हैं। इसमें जो मैंने डिस्कस करने के लिए लिया है वो बीफ टैपवर्म लिया है। सारे टैपवर्म को मैं नहीं डिस्कस कर सकती थी, इनके लाइफ साइकिल मिलते जुलते हैं। एक को मैं बता देती हूँ, बाकी आपने खुद पढ़ने हैं हिकमैन से, मिलर एंड हार्ले से। अच्छा, और एक और चीज़ आपने याद करनी है कि इसमें जो है टैपवर्म के साइंटिफिक नेम आपने याद कर लेने हैं, कि बीफ टैपवर्म उसका क्या नेम है, पॉर्क टैपवर्म उसका क्या नेम है, फिश टैपवर्म है, फिर डॉग टैपवर्म है। तो इनके साइंटिफिक नेम आपने करने हैं। जैसे मैंने बीफ टैपवर्म लिया है तो टीनिया सेजिनेटस इसका नाम है, इसको टीनिया रेंकस भी बोलते हैं लेकिन बहुत सारी बुक्स में टीनिया सेजिनेटस के नाम से है। और जो पॉर्क टैपवर्म है यानी पिग का टैपवर्म है उसको टीनिया सोलियम है। तो इनके आपने नेम जो है वो याद करने हैं, और हर एक का लाइफ साइकिल जो है वो आपने देख लेना है। थोड़ा बहुत एक दूसरे से इनका डिफरेंस होगा, तो मैंने बीफ का टैपवर्म यहाँ डिस्कस करने के लिए लिया है। डेफिनेटिव होस्ट ह्यूमन, तो इनका ये कोई इनवर्टिब्रेट नहीं रखते, दो होस्ट रखते हैं लेकिन इनका फाइनल जो होस्ट है वो ह्यूमन है, और इंटरमीडिएट ये कैटल है। तो एक तो ये ट्रीमाटोड से इसका फर्क है, उनमें जो इंटरमीडिएट था वो इनवर्टिब्रेट स्नेल था, जबकि इनका इंटरमीडिएट क्या है, हॉस्ट कौन सा है, कैटल है। एग आर शेड विद ह्यूमन फीसिस, ह्यूमन फीसिस से ही एग निकल जाते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन डेफिकेट इन अ पास्चर एंड द एग आर इंजेस्टेड बाय कैटल, वहां से ये जो है वो जो ही वो कैटल अपनी खुराक लेगी तो वो कैटल के अंदर वो एग चले जाएंगे। एग हैच गिविंग राइज टू ऑन्कोस्फेयर लार्वा, और कैटल के अंदर जो लार्वा बनेगा उसका नाम क्या होगा, ऑन्कोस्फेयर लार्वा, दैट बोर इनटू द इंटेस्टाइनल वॉल एंड गेट इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द मसल, वहां पर ये ट्रांसपोर्ट कर जाएगा और मसल्स के अंदर कैटल के रहेगा, और सही तरह से अगर हमने उसको कुक नहीं किया होगा और हम खाएंगे तो वो इस तरह वो जो रेजिस्टेंट लार्वा था वो हमारे अंदर चला जाएगा। अच्छा, हेयर द लार्वा डिवेलप इनटू सिस्टिकेरस स्टेज या ब्लेडर वर्म, ये कैटल के अंदर ही ब्लेडर वर्म जो है वो में चेंज हो जाएगा। ब्लेडर वर्म जो है हाईली रेजिस्टेंट लार्वल स्टेज होती है, और जब हम ये मैंने जैसे बताया कि हमने ये मीट खाएंगे तो ये ब्लेडर वर्म हमारे अंदर चला जाएगा, और वहां पर जाके ये किस में, हमारे गट में जाके किस में चेंज हो जाएगा, अडल्ट में चेंज हो जाएगा। और जो डिजीज काज करेगा उसके सिम्टम क्या होंगे, लॉस ऑफ वेट, क्रॉनिक इनडाइजेशन, डायरिया, ये सारे जो है, लॉस ऑफ एपिटाइट भी हो सकता है, तो ये वीक कर देगा। और अगर बहुत ज्यादा हमारे में ये टैप फॉर्म हो गए हैं तो उससे डेथ भी हो सकती है। सो वेरी डेंजरस टैप फॉर्म, तो इसको आपने देख लेना है। इसमें ब्लेडर वर्म का पूछ सकते हैं, ऑन्कोस्फेयर लार्वा का पूछ सकते हैं, इसकी इंटरमीडिएट जो है होस्ट कौन सा है, इसका फाइनल होस्ट कौन सा है, ये सारा जो है वो जो आपको आना चाहिए। यहाँ पे डायग्राम अगर आपको क्लियर नजर नहीं आ रही तो फिर आप बुक से देखिएगा, पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए।
और वो वही हैं जो मैंने, यानी कि इस डायग्राम में भी वही कुछ नजर आ रहा है कि इसका फाइनल होस्ट प्राइमरी होस्ट, इसको फाइनल होस्ट को आप प्राइमरी होस्ट भी कहोगे, ये ह्यूमन बीइंग है, और इसका सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है, कैटल है। ह्यूमन बीइंग के ये गट में रहता है और वहाँ से ये अपने जो एग जो है वो फीसिस के थ्रू, ह्यूमन के फीसिस के थ्रू बाहर पास करेगा, और जब उसको काओ लेगी तो ये इसके जो है ये लार्वा जो है ऑंकोस्फेयर लार्वा ये कैटल के अंदर चला जाएगा, वहाँ से ये जो है पेनिट्रेट करता हुआ मसल में जाएगा और अपने बाहर एक सिस्ट चढ़ा लेगा, तो तब हम इसको ब्लेडर वर्म बोलेंगे। और फिर जब इसको सही तरह से कुक नहीं करके हम खाएंगे, ह्यूमन बींग खा लेगा, तो ये उसके अंदर जाएंगे और वहाँ पे एडल्ट में चेंज हो जाएंगे। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन भी करता है, इसका हर पीसीज अलहदा हो जाए, हर प्रोग्लोटिड अलहदा हो जाए, तो वो नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिवर फेल्यूक बिलोंग टू क्लास ट्रीमाटोडा, सब क्लास डाइजीनिया, क्लास कैस्टोडा, बोथ ए एंड बी। यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं करनी, यहाँ पर हम क्लास ट्रीमाटोडा फॉरन नहीं लगाएंगे, क्लास ट्रीमाटोडा के बाद सब क्लास डाइजीनिया भी है, और हमें पता है कि ये मोनोजीनिया नहीं है बल्कि डाइजीनिया से बिलोंग करता है, तो क्लास इसकी जो है वो ट्रीमाटोडा होगी और सब क्लास इसकी क्या होगी, डाइजीनिया। तो ऑप्शन क्या होगा, बोथ ए एंड बी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूजिंग आते हैं, इसलिए मैंने एग्जांपल के तौर पर ये आपसे शेयर की है कि आप क्लास के साथ आपको इन फेमस ऑर्गेनिज्म की सब क्लास भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे लीवर फेल्यूक का पूछा हुआ है, हो सकता है यहाँ पे टैपवॉर्म का पूछा जाए, या गायरोडेक्टाइलस का, या डेक्टायरोगाइलस का, या शिस्टोसीमा का। तो आप इतनी डिटेल से हमने पढ़ा है, आप बुक से भी देखिएगा और फिर फॉरन जो है वो क्वेश्चन के आंसर जो है वो हमें आ जाएंगे अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, विच फ्लैटवॉर्म इज एन एक्टोपैरासाइट इन नेचर। तो एक्टोपैरासाइट कौन सा है, हमें पता है मोनोजीनिया क्लास से है, गायरोडेक्टाइलस जैसे मैंने बताया था, डेक्टाइलोगायरस, तो यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि शिस्टोसोमा जो है वो ट्रीमाटोडा का मेंबर है, क्लोनोरेचिस साइनरेसिस वो भी ये नहीं हो सकता, मोनोजीनिया। टीनिया सोलियम जो है ये पिग पिग टैप वॉर्म है, ये जो है कैस्ट्रोडा का मेंबर है, तो डेक्टाइलोगायरस आएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाईली कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल विद मोर देन फोर लार्वल स्टेजेस सीन इन, यानी फोर है, मोर देन है तो मीन फाइव लार्वल स्टेजेस किसमें होगी, लिवर फेल्यूक है, टैप वॉर्म है, ब्लड फेल्यूक है, जावर्म्स है। यहाँ पे ब्लड फेल्यूक का और लिवर फेल्यूक का अगर हम देखें, चूंकि दोनों की जो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा किसकी है, लिवर फेल्यूक की, तो ऑप्शन हमारा क्या आएगा, लिवर फेल्यूक। टीनिया सोलियम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बीफ टैप वर्म, पॉर्क टैप वर्म, फिश टैप वर्म, डॉग टैप वर्म। तो ये पॉर्क टैप वर्म आएगा, बीफ टैप वर्म जो है वो टीनिया सेजिनेटस है, फिश टैप वर्म आपने देख लेना है, डॉग टैप वर्म आपने देख लेना है, इस तरह के, और इनके साइंटिफिक नेम भी साथ आपने करने हैं। तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है, सिंपल क्वेश्चन भी है, लेकिन अगर हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है तो हम आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। फाइलम प्लेटिहेलमिंथीज को मैंने कंप्लीट कर दिया क्लासिफिकेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ। अब जो है ये दो छोटे जो कि फ्लैट वर्म नहीं है, लेकिन ये जो है ए सीलोमेट है, और हैं हमारे कौन से, फाइलम नेमर्टिया एंड फाइलम नेथोस्टिमुलिडा। फाइलम नेमर्टिया, इसको रेंकोसीलिया भी बोलते हैं, और फाल्स किस्म की बॉडी कैविटी होती है, हालांकि ये ए सीलोमेट है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका कोई जो है वो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन नहीं है, एक फाल्स सीन उन्हें कैविटी रखी हुई है, और उसमें ब्लड भी फ्रीली मूव कर रहा होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, रिंकोसील के नाम से हम जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि रिंकोसील क्या है, तो आपने कहना है फाल्स बॉडी कैविटी है ये, उसके सूडोसिलोमेट में नहीं आएंगे, क्योंकि सूडोसिलोमेट में जो कैविटी है वो मीजोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान बनती है, इनमें मीजोडर्म की ही सेल्स में जो है एक कैविटी छोटी सी बनेगी, और वो किसी और ऑर्गेनिज्म में नहीं होगी, वो इन्हीं में होगी, और उसका कोई ओरिजिन किसी के साथ नहीं होगा, रिंकोसील के नाम से होगी। तो ये इनकी पहचान है, 900 इसकी स्पीशी है, इनको राउंड कॉमनली कॉल्ड राउंड वर्म, मोस्टली मैरीन, फ्यू आर फ्रेश वाटर क्रिएचर। तो ये नेमर्टिया जो है ये
इनके 900 स्पीशी हैं, और इनके मोस्टली जो है वो क्या है, मैराइन वाटर में है, और चंद एक ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में है। यहाँ पे सॉरी, राउंड वर्म नहीं कहना, रिबन वर्म कहना है। राउंड वर्म हमने आगे पढ़ना है, ये रिबन वर्म कहलाएंगे। ठीक हो गया। और एक और इनकी पहचान है। अच्छा, जब भी हम फाइलम नेमाटिया की बात करें, दो चीजें हमारे माइंड में आनी चाहिए, यानी रिंकोसील रखने वाले और इवर्सिबल लॉन्ग प्रोबोसिस रखने वाले। ये प्रोबोसिस रखते हैं, लॉन्ग प्रोबोसिस होती है इनमें, यूनिक इवर्सिबल लॉन्ग प्रोबोसिस। और जो है वो उसकी फेरेंक्स टाइप होगी, और उसी प्रोबोसिस से ये अपनी खुराक लेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका फ्लेम सेल है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है इसका जो है 3 longitudinal ट्रंक्स हैं, और इनको सील के अंदर जो है ब्लड मूव करता है। फॉल्स बॉडी कैविटी रेनको सील इज प्रेजेंट। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये इनमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जो फाइलम प्लेटीहेलमिंथीस से करेक्टर नहीं मिलता। उनका सैक लाइक था, इनका कंप्लीट है। माउथ है, एनस एनस है, यानी एनल ओपनिंग है। और दूसरा करेक्टर जो उनसे नहीं मिलता वो ये है कि ये डायशियस है। वो हमने हर्मोफ्रोडाइट पढ़े, ये जो है डायशियस है, यानी मेल और फीमेल सेपरेट है। सीलिएटेड लार्वा इनमें बनता है, पाइलिडियम लार्वा। ये इनका जो लार्वा है वो नेम चेंज है, वो पाइलिडियम लार्वा कहलाएगा। दो इसकी क्लासेस हैं, ए नोपला एंड ई नोपला। ए नोपला, ई नोपला, ये इसकी दो क्लासेस हैं। और एग्जाम्पल है हमारे पास एम्फीपोरस एंड बेसियो डिस्कस। तो कौन से, ये आएंगे ए सीलोमेट। ए सीलोमेट बायलेटरल ऑर्गेनिज्म। और जो आपने याद रखनी है चीज, वो क्या करनी है कि इनमें रिंकोसील है, फॉल्स एक कैविटी है जो कि बाकी किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं है, और इसमें लॉन्ग प्रोबोसिस है। और कौन से करेक्टर इनके फ्लैटवर्म से नहीं मिलते, इनका एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। इनकी जो है बहुत कॉम्प्लेक्स जो है वो लाइफ साइकिल नहीं है, और ये डायशियस है। सेपरेट इनके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और सिलिएटेड लार्वा इनका क्या है, पाइलेडियम है। एम्फीपोरस एंड बेसियो डिस्कस जो है वो एग्जाम्पल है। रिबन वॉर्म और प्रोबोसिस वॉर्म। तो यहाँ पर जो है ये मैंने जैसे पहले बताया है कि इनको राउंड नहीं बल्कि रिबन वॉर्म कहेंगे, तो ये रिबन वॉर्म कहलाएंगे, या इनको प्रोबोसिस वॉर्म बोलेंगे। तो ये इसकी एक्सटर्नल, एम्फीपोरस की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, किस तरह का है ये, और ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है। और अगर इंटरनल स्ट्रक्चर में आप देखें तो ये इनकी लॉन्ग प्रोबोसिस हमें नजर आ रही है। यहाँ पर भी आप देख लें, ये इसकी प्रोबोसिस है यहाँ पर भी। और डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आप देखें तो ये इसका माउथ है, और ये रेडिश कलर में, और ये इसका एनस है। तो ट्यूब्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम है, सैक लाइक नहीं है। और ये फेरोजी से कलर की जो अंदर दिखाई हुई है छोटी सी, ये कैविटी जो दिखाई हुई है रिंकोसील, ये इसके अंदर है। बाकी जो है वो करेक्टरिस्टिक जो है हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट जो फाइलम है वो है फाइलम नेथोस्टिमुलिडा। इनको जावर्म बोलते हैं। तो इतना डिटेल में इन माइनर फाइला में से नहीं आता होता, और क्योंकि इनके इतने ऑर्गेनिज्म भी नहीं है और इतना डिटेल से स्टडी भी नहीं किया हुआ, तो आपने जस्ट ये जो है वो याद रखना है कि नेमर्टिया जो है रिबन वॉर्म है या प्रोबोसिस वॉर्म है, और नेथोस्टिमुलेडा जा वॉर्म है, प्लेटीहेलमिंथीस फ्लैट वॉर्म है। तो ये चीजें जो है याद रखने वाली है। इनकी स्पीशी देख लेनी है कि इनकी 80 स्पीशी से थोड़ी ज्यादा है, ओवर 80 स्पीशी इनको जा वॉर्म कहेंगे। और सारे मैराइन वाटर में, कोस्टल सेडिमेंट में ये ज्यादा पाए जाते हैं, सारे के सारे मैराइन हैं। कोई भी आपको जो है वो फ्रेश वाटर में या टेरेस्ट्रियल नजर नहीं आएगा। इनको डेलिकेट वॉर्म भी कहते हैं, और इनका साइज बहुत छोटा होता है, less than 2 mm लॉन्ग। ये ज्यादा नहीं है, तो 2 mm जो है ये लॉन्ग है, बहुत छोटे डेलिकेट वॉर्म है ये। अ पेयर ऑफ लेटरल जार टू स्क्रैप फंजाई एंड बैक्टीरिया फ्रॉम सबस्ट्रेटम। अच्छा, इनमें ये पैरासाइट नहीं है, ये फंजाई और बैक्टीरिया को स्क्रैप करके लेते हैं अपने जार्स के जरिए। पेरेन्काइमा इज पुअरली डिवेलप, इनमें इतनी डिवेलप नहीं है जितनी हमने फ्लैटवर्म में पढ़ी थी। इनका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे फ्लैटवर्म का है। मोस्टली हर्मोफ्रोडाइट है, ये भी फ्लैटवर्म की तरह है। प्रोटोएंड्रस है, यानी मेल इनका जो है वो
जैसे टेस्टिस है, स्पर्म है, वो पहले मैच्योर होते हैं, एग बाद में होते हैं, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्रोटोएंड्रस। क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, और इनकी एग्जाम्पल क्या है, नेथोस्टिम्यूला जेनरी, ये इसकी एग्जाम्पल है। इतना कोई लंबा चौड़ा नहीं है फाइलम, इतने कोई इसके करेक्टरिस्टिक नहीं है, बस माइंड में रखना है कि ये जाज रखते हैं, इनमें ये पैरासाइट नहीं है, सारे के सारे सी वाटर में पाए जाते हैं, बहुत डेलिकेट है, साइज बहुत छोटा होता है, इनकम्प्लीट इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, हर्मोफ्रोडाइट है, प्रोटोएंड्रस है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन रखते हैं। ये जो है वो नेथोस्टिम्यूला जेनरी की जो एग्जाम्पल है, सेडिमेंट में ये पाया जाता है। सिंपल ये आप देख लें डायग्राम में, मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये एक ही ऑर्गेनिज्म है, और ये इसके जार्स जो है ये भी आपको, ये डायग्राम जो है हिकमैन की बुक से आपको मिल जाएगी, तो ये चीज़ें आप रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। थ्री फाइला आज हमने डिटेल से पढ़े, पहला हमने पढ़ा फाइलम प्लेटीहेलमिंथीस यानी कि फ्लैट वर्म, फिर हमने नेमाटिया देखा, उसके बाद नेथोस्टिमुलेटा देखा। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़े देख लेते हैं कि रेंकोसील अ बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट इन फाइलम, कौन से, मैंने अभी बोला कि ये जो है नेमाटिया, इसमें रेंकोसीलिया भी आ सकता है, इसमें ये नेमाटिया, यहाँ पे आप जो है रेंकोसील की जगह रिबन वॉर्म भी कह सकते हैं, कि रिबन वॉर्म किसको बोलते हैं, तो वो किसको कहेंगे, वो नेमाटिया को कहेंगे। विच ऑर्गेनिज्म ऑफ ए सीलोमेट हैज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कौन से हैं जो ए सीलोमेट हैं और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रखते हैं, नेमाटिया के मेंबर ही कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रखते हैं, बाकी जितने भी फ्लैट वर्म हैं या ए सीलोमेट हैं वो इनकम्प्लीट रखेंगे, तो नेमाटिया का मेंबर यहाँ पे कौन सा है, एम्फीपोरस है। एम्फीपोरस के अलावा भी और नेमाटिया के मेंबर हो सकते हैं, वो आपने देख लेने हैं, लेकिन एम्फीपोरस बहुत कॉमन है और ये इसीलिए ज्यादातर ये आता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, अ यूनिक करेक्टर ऑफ एम्फीपोरस इज प्रेजेंस ऑफ, क्या ये जाज रखता है, बी पे लॉन्ग प्रोबोसिस है, सी पे रेंकोसील है, डी बोथ बी एंड सी, तो दोनों इसके ऑप्शन ठीक है, प्रोबोसिस भी रखता है और रेंकोसील भी रखता है, तो इसलिए बोथ बी एंड सी, यहाँ एम्फीपोरस की जगह फाइलम नेमाटिया भी आ सकता है, फाइलम रेंकोसीलिया भी आ सकता है, और अगर यहाँ पर जा की बात हम करें तो फिर फाइलम नेथोस्टिमुलेटा आ सकता है, और अब फिर आपने बताना है कि उसकी कौन सा उसका यूनिक करेक्टर है, प्रेजेंस ऑफ जाज होगी, जाज है इनमें, तो ये मॉडिफाई करके क्वेश्चन आ सकते हैं। पैरेन्काइमा इज पुअरली डिवेलपिंग, बाकी सब में पैरेन्काइमा जो मेसोडर्म से ओरिजिनेटेड है वो सब में वो पैरेन्काइमा जो है वो वेल डिवेलप है, नहीं है तो वो जावाम में या फाइलम नेथोस्टिमुलेटा है उसमें नहीं है, तो ये अब जो है हमें ये आना चाहिए। फ्लैट वर्म क्या है, राउंड वर्म और पिन वर्म, ये चीजें हम अगले उसमें हमारे टॉपिक में हम पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद आप फिंगर टिप्स पे बता सकोगे कि फ्लैट वर्म किनको बोलते हैं, राउंड वर्म किनको बोलते हैं, हुक वर्म किसको बोलते हैं, पिन वर्म किसको बोलते हैं, रिबन वर्म कौन है, जा वर्म्स कौन है, तो इनमें से ये एमसीक्यूज आ सकते हैं, आपको ये सारे आने चाहिए कि ये वर्म कौन से हैं, फेल्यूक कौन है, टैप वर्म कौन है, तो ये या कौन कौन से ये क्लासेस में आ सकते हैं, या कौन कौन से ये फाइला में आएंगे, और इनके करेक्टरिस्टिक क्या हैं, आज हमने ये देखा। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा, ए सीलोमेट हमने कंप्लीट कर लिए, नेक्स्ट हमारा सूडो सीलोमेट से है, और उसमें हम मेजर जो फाइलम पढ़ेंगे वो फाइलम एस्केल्मेंथीस या नीमाटोडा होगा, और छह माइनर फाइला भी होंगे जिसको मैं एक चार्ट की मदद से बहुत सिंपली और ब्रीफली आपको बता दूंगी, और इतनी डिटेल में अगर आप पढ़ने लगेंगे तो ये सारे फाइला जो है आपको कन्फ्यूज करेंगे, और हमने जस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके डिस्कस करने, तो वो चार्ट की शक्ल में मैं बताऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर आपका बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है उसमें, क्योंकि ये वाला जो सूडो सीलोमेट है उसको अमूमन हम बहुत बोरिंग समझते हैं और अक्सर हम उसको छोड़ भी देते हैं, लेकिन उसमें से क्वेश्चन निकलते हैं, तो वो मैं ब्रीफली चार्ट की मदद से आपको जो माइनर फाइला है वो बता दूंगी, तो असेसमेंट के लिए भी आप तैयार रहिएगा। आपके जो क्वेश्चन जो है वो आपका जो टेस्ट होगा वो जो है फाइलम इन्हीं में से होगा, फाइलम मेरा ख्याल है प्लेटीहेलमिंथीस है और नाइडेरिया जो है इनमें से बनेगा, तो बहरहाल आपको बता भी दिया जाएगा, गाइड कर दिया जाएगा, अच्छे तरीके से आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। बेस्ट ऑफ लक।